कोटा जिले के आयाना कस्बे में जिला अंधता निवारण समिति तथा लॉयंस क्लब कोटा के सहयोग से मंगलवार को स्थानीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र परिसर में निशुल्क नेत्र चिकित्सा और मोतियाबिंद ऑपरेशन शिविर का आयोजन किया गया। नेत्र विशेषज्ञ डॉक्टर विशाल स्नेही और टीम द्वारा करीब 212 मरीजों की आँखों की जाँच की गयी, तो वही मोतियाबिंद ऑपरेशन के पाए जाने वाले 90 मरीजों को ऑपरेशन के लिए लॉयंस क्लब कोटा ले जाया गया। R9 भारत के लिए कोटायान से संवाददाता भवानी शंकर राठौर की रिपोर्ट। आप में ये बताइए, कितने लोगों का पंजीकरण किया गया है यहाँ पर अभी तक? अभी तक पंजीकरण चल रहा है और 200 से अधिक लोगों का पंजीकरण हो चुका है और अभी भी चल रहा है, ये 2 बजे तक चलेगा। इसके अलावा कहाँ कहाँ शिविर आपके द्वारा आयोजित किए गए? हमारे अभी इससे पिछले 10 दिन पहले इटावा में किया था, उससे पहले हमें लांबा खो में और ये कापरेन में, गाँव में हम लोग हर महीने 1 या 2 शिविर करते हैं। अच्छा, पूरे ये जो है करीब करीब जो है 5-6 महीने हम लोग ये कैंप लगाते हैं, लॉयंस क्लब में भी लगाते हैं और सबको निशुल्क ऑपरेशन करते हैं। इस ऑपरेशन के साथ में हम निशुल्क चश्मे, काले चश्मे और जब नंबर के चश्मे नंबर आते हैं तो उनको नंबर के चश्मे भी हम निशुल्क भेंट करते हैं। इसके अलावा खाने पीने की रहने की सारी व्यवस्था हमारी निःशुल्क होती है। बताना चाहूँगा कि ये मेरा पैतृक ग्राम है और लगभग 20 साल से हम यहाँ पर अपनी सेवाएँ दे रहे हैं लॉयंस क्लब के माध्यम से। शिविर में जो ऑपरेशन किए जाते हैं वो बिल्कुल आधुनिक पद्धति है, मैनुअल फेको पद्धति, जिसमें कोई टाँका वगैरह नहीं लगता, उसके द्वारा हम इसमें ऑपरेशन करते हैं और हाई क्वालिटी का जो HD लेंस होता है वो हम लगाते हैं इसमें। साधारण भाषा में कहें तो HD जो लेंस होता है वो हम इसमें लगाते हैं और हमारा अभी तक का रिकॉर्ड जो है 20 साल का 100% विजन देने का रिकॉर्ड रहा है। अच्छा, लायंस क्लब के माध्यम से ये जो नेत्र चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया है ये बिल्कुल उस कहावत को चरितार्थ करने वाला है, तमसो मां ज्योतिर्गमय, यानी अंधकार से प्रकाश की ओर जाएं। तो ऐसे व्यक्ति जिनको दृष्टि दोष की वजह से जो है देख नहीं पाते, उनकी सेवा के लिए जो है हर वर्ष लायंस क्लब के माध्यम से जो है ऐसे शिविरों का कई सारे वर्षों से लगातार आयोजन किया जा रहा है। इसके लिए मैं लायंस क्लब और उनकी पूरी टीम को जो है बधाई देता हूँ, भविष्य में भी उनका साथ और सहयोग हमें मिलता रहे।